हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू द अनदर ट्यूटोरियल ऑफ फोटो बेसिक्स। तो लास्ट वीडियो में हमने बात की थी रेन फोटोग्राफी के बारे में और उसमें मैंने आपको बताया था कि आप किस तरह से रेन फोटोग्राफी कर सकते हैं। उसमें मैंने आपको एक एडिटिंग टिप दी थी कि आप अपनी फोटोज को मूडी या डार्क टोन के अंदर रखिए, और आप में से बहुत से लोगों ने मुझसे पूछा कि ये मूडी और डार्क टोन क्या होती है और इसको हम किस तरह से एडिट कर सकते हैं लाइट रूम के अंदर। तो ये वीडियो उसी के ऊपर है और मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरह से अपनी फोटोज को मूडी टोन्स में एडिट कर सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपने रेन फोटोग्राफी वाली वीडियो नहीं देखी है तो आप आई बटन पे क्लिक करके पहले वो वीडियो देखिए, रेन फोटोग्राफी के बारे में समझिए, उसके बाद उसको एडिट कैसे करना है वो इस वीडियो पे आके आप फिर से देखिए। तो भाई लैपटॉप स्क्रीन में जाने से पहले मैं आपसे कुछ टिप्स शेयर करना का चाहता हूँ कि लाइटरूम में अगर आप एडिट करते हैं तो कभी भी किसी का वर्क एज इट इज़ कॉपी मत कीजिए। मैंने बहुत से लोगों को देखा है कि वो एज इट इज़ जो नंबर्स है, मान लो किसी ने एक्सपोजर रखा 15 रखा या 20 रखा या प्लस 5 रखा या माइनस 5 रखा, जो भी सेटिंग्स रखी वो एज इट इज़ उसको कॉपी करके अपने ऊपर अपनी इमेजेस के ऊपर लगा देते हैं और फिर वो कहते हैं कि उनकी इमेजेस खराब आई। ऐसा इसीलिए है कि उस बंदे ने फोटोग्राफी अलग सेटिंग्स के साथ करी थी, आपने अलग सेटिंग्स के साथ करी थी, और अगर आप दोनों को सेम एक्सपोजर सेटिंग के साथ एडिट करोगे तो दोनों की इमेजेस का रिजल्ट भी अलग अलग ही आएगा। तो जो आपकी इमेज के साथ सही बैठती है आप वैसे एडिट कीजिए, जो आपको बेस्ट लगता है, विजुअली बेस्ट लगता है। सबसे पहला जो एक्सपीरियंस है वो विजुअली आता है, ना कि जो नंबर्स आप देखकर दूसरे का डायरेक्ट डायल इन करते हैं स्लाइडर्स के अंदर। तो अगर आपको विजुअली आपकी फोटोग्राफ अच्छी लग रही है तो वही एक बेस्ट एडिट है। फाइनल प्रोडक्ट जो है वही मैटर करता है कि अच्छा है या बुरा। इस एडिटिंग ट्यूटोरियल के अंदर मैं आपको अपना वर्क फ्लो दिखाऊंगा कि मैं किस तरह से मूडी टोन्स में एडिट करता हूं, और आप उसको स्टेप बाय स्टेप फॉलो करके अपने हिसाब से अपने स्लाइडर्स को मूव करके चेक कर सकते हैं कि आपका बेस्ट फोटोग्राफ एडिट करने का वर्क फ्लो क्या है। तो चलो डायरेक्टली चलते हैं अब लैपटॉप स्क्रीन के अंदर और मैं आपसे शेयर करता हूं अपने टिप्स। ओके, सो हम लोग आ चुके हैं लाइटरूम के अंदर और ये कुछ मैंने इमेजेस डाउनलोड कर ली थी स्टॉक वेबसाइट से, जिसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ओके, सो सबसे पहले मैं आपको बेसिक बताऊंगा मूडी टोन्स में कि क्या एग्जैक्टली स्टेप्स हम फॉलो करेंगे, और उसके बाद मैं आपको एक एक स्टेप करके दिखाऊंगा कि किस तरह से एक पर्टिकुलर इमेज को हम मूडी टोन्स में कन्वर्ट कर सकते हैं। और ये वीडियो एंड तक देखना, और इसमें मैं आपको बताऊंगा कि आप भी अपना नाम किस तरह से लाइटरूम में कस्टमाइज कर सकते हैं, या फिर अपना जो कंपनी का लोगो है या खुद का लोगो है आप किस तरह से यहाँ पर लगा सकते हैं। तो इसमें जो मैं वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ वो मैं खुद का वर्क फ्लो दिखा रहा हूँ, आप इसको फॉलो कर सकते हो और अपनी इमेज के अकॉर्डिंग जो बेस्ट आपके सेटिंग्स रहती हैं उसको आप ट्यून इन कर सकते हो। और ये सेटिंग्स लाइटरूम पीसी और लाइटरूम मोबाइल में सेम रहेगी, क्योंकि दोनों में एक जैसी ही एडिटिंग होती है, एक जैसे ही पैनल्स होते हैं, कोई भी डिफरेंस नहीं है। तो आप सेम वर्क फ्लो लाइटरूम मोबाइल के अंदर भी कर सकते हो और सेम ही आप लाइटरूम पीसी के अंदर भी कर सकते हो। तो जो सबसे पहली चीज़ मैं आपको समझाऊंगा वो है टोन कर्व। मूडी टोन्स के अंदर सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट टोन कर्व्स ही रहता है। मूडी टोन्स बेसिकली क्या है कि डीसेचुरेटेड डार्क इमेजेस, ये मूडी टोन्स का अगर मैं डेफिनेशन कहूँ आपको तो है। तो डीसेचुरेटेड से मेरा मतलब है कि एकदम सेचुरेशन को मैं कम कर दूँ और बिल्कुल फ्लैट टोन्स दिखे मुझे, एक सिंगल टोन्स दिखे, या तो वो ब्लू हो या फिर वो जो भी मुझे डोमिनेंट कलर दिख रहा है, जैसे मान लो इसमें एक येलो ब्राउन दिख रहा है मुझे, इस जगह पर भी है और यहाँ पर भी है, तो हो सकता है मैं इस इमेज को येलो ब्राउन मूडी टोन्स में कन्वर्ट करूँ, और या फिर हो सकता है मैं इसे ब्लू में कन्वर्ट करूँ। वो देखते हैं किस तरह से इमेज अच्छी लगेगी। दोनों में ही कन्वर्ट कर सकते हैं, अपनी अपनी चॉइस, अपना अपना देखने का नज़रिया है। लेकिन सबसे पहले मैं आपको कर्व्स सिखाता हूँ कि कर्व्स एग्जैक्टली क्या चीज़ होती है। अब कर्व्स में आपको ये फ्लैट लाइन मिलेगी, आपको फोटोशॉप में भी मिल जाएगा, स्नैपसीड में मिल जाएगा, लाइटरूम में मिल जाएगा। कर्व्स हर जगह इस्तेमाल होता है जहाँ भी आपकी फ़ोटो एडिटिंग की बात आती है। तो जो कर्व्स है उसमें आपको क्या चीज़ों का ध्यान रखना है, अगर मैं आपको दिखाऊँ, ये बॉक्सेस हैं, ये 1, ये 2, ये 3, ये 4। तो जो सबसे ऊपर वाला पॉइंट है यहाँ पर, ये है हमारे वाइट्स। जितने भी इमेज में वाइट्स होते हैं ये सब के सब यहाँ पर रहते हैं। उसके नीचे आते हैं, ये होती है हमारी हाइलाइट्स। यहाँ पर मैंने अभी एक पॉइंट लगाया क्लिक करके। उसके नीचे आते हैं, ये होते हैं हमारे मिड टोन्स। फिर यहाँ पर आते हैं, ये होता है शेडोज़, जो इमेज के अंदर शेडोज़ होती हैं। और सबसे लास्ट में है ब्लैक्स। तो मैं इनमें से किसी भी स्लाइडर, इसमें किसी से भी पॉइंट को छेड़ूंगा तो वो पर्टिकुलर चीज़ ही चेंज होगी। मान लो इसको छेड़ता हूँ
तो जो वाइट्स हैं, देखो वाइट्स कैसे कन्वर्ट हो रहे हैं। इसको छेड़ता हूँ तो हाइलाइट्स कम या ज़्यादा हो सकती है, ऊपर की तरफ ज़्यादा, नीचे की तरफ कम। इसमें मिड टोन्स पे असर पड़ेगा, आपको इमेज पे दिख रहा होगा, और इसमें पड़ेगा सीधा शेडोज़ के ऊपर। और एक्सट्रीम ब्लैक्स को मुझे अगर करना है चेंज, तो मैं यहाँ से चेंज कर सकता हूँ कुछ इस तरह से। इसको मैं राइट क्लिक करके फ्लैटन कर देता हूँ ताकि सारे के सारे पॉइंट्स डिसेबल हो जाएं। तो बेसिकली आपको क्या करना होता है मूडी टोन्स के लिए, कर्व्स को कुछ इस तरह से पोजीशन करना होता है ताकि ये कुछ फेडेड सा इफेक्ट दे। तो ये था कर्व्स का खेल। अब इसमें आपको कर्व्स में तीन चैनल्स भी मिलते हैं, रेड चैनल, ग्रीन चैनल एंड ब्लू चैनल। अब इसके ज़रिए भी आप अलग अलग चेंजेस कर सकते हो इमेज के कलर टोन्स के अंदर। अब सबसे पहले मैं जाऊंगा बेसिक के अंदर, और जो मुझे, जैसे मैंने आपको बताया कि डी सैचुरेटेड डार्क, तो सबसे पहले मैं क्या करूँगा, डी सैचुरेटेड अगर मैंने बोल दिया है तो मैं ऑब्वियसली बात है सैचुरेशन को कम कर दूंगा। एकदम डार्क एकदम कम कर दोगे तो ये ब्लैक एंड वाइट कन्वर्ट हो जाएगी, और इसको मैं इतनी रखूँगा कि बिल्कुल हल्के हल्के कलर्स दिखे मुझे, और हल्की सी वाइब्रेंस को कर दूंगा मैं इंक्रीज। देन उसके बाद डार्क पे आते हैं तो एक्सपोजर को मैं करूंगा कम, हाइलाइट्स भी कम, शेडोज इंक्रीज करूंगा थोड़ी सी, थोड़े से वाइट्स इंक्रीज करूंगा और थोड़े से ब्लैक्स को कम करूंगा। फिर बात करते हैं क्लैरिटी की, तो क्लैरिटी भी मैं करीब 14 के करीब रखूंगा। टेम्परेचर अभी नहीं छेड़ेंगे, टेम्परेचर हम ओवरऑल इमेज को एडिट करने के बाद में छेड़ेंगे। तो सबसे पहले इसको कर देते हैं बंद, बेसिक वाले को। टोन कर्व हमने देखा है, टोन कर्व को मैं वैसे ही एडिट कर देता हूँ जैसे मैंने अभी आपको सिखाया था। हम आएंगे ब्लू के अंदर, रेड ग्रीन को भी चेंज करके आप देख सकते हो क्या चेंजेस आ रहे हैं। देखो ये काफ़ी रेड हो रहा है, सियान में कन्वर्ट हो रहा है। देन उसके बाद ग्रीन पे अगर आप चेंजेस करते हो तो ग्रीन में भी काफ़ी चेंजेस होते हैं। देन ब्लू पे भी, ब्लू पे करोगे तो ब्लू पे भी आपकी इमेज में कलर्स के चेंजेस होंगे। इनको सबको मैं फ्लैटन कर देता हूँ। मुझे इस इमेज में सिर्फ और सिर्फ ब्लू को ही छेड़ना है। उसका रीज़न है कि इस इमेज में ज़्यादातर ब्लू है और येलो है। अब अगर इस इमेज में रेड होता या सियान होता तो मैं रेड को छेड़ता, ग्रीन या मैजेंटा होता तो मैं ग्रीन वाले चैनल को छेड़ता, क्योंकि इस इमेज में ब्लू और येलो, मतलब ब्राउन है ये, लेकिन येलो के टोन्स के अंदर ही आ जाता है, येलो ऑरेंज टोन के अंदर ब्राउन आ जाता है। तो मैं क्या करूँगा, सिर्फ और सिर्फ ब्लू स्लाइडर को थोड़ा सा छेड़ूंगा। अगर मैं ज़्यादा ऊपर लेके जाऊँगा तो ये मुझे ब्लू टोन के अंदर देगा, कूलर टोन्स के अंदर, और मैं नीचे लेके आऊँगा तो ये थोड़ी सी वार्म टोन्स के अंदर देगा। तो मुझे अभी जो ब्लू येलोइश कलर है इसके अंदर टोन्स का, वो ज़्यादा अच्छा लग रहा है इस इमेज के लिए। आपको अगर ब्लू पसंद आता है तो इसको आप ऊपर की तरफ कर सकते हैं। सैचुरेशन कलर की इंटेंसिटी है जो, और ह्यू है वो है कलर्स के वेरिएशंस। रेड के आप कितने वेरिएशंस इसमें देख सकते हो, ऑरेंज के, येलो, ग्रीन, एक्वा, ब्लू, पर्पल, मजेंटा, इन सब के आप कितने वेरिएशंस आप देख सकते हो एक इमेज के अंदर, वो सब यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगे ह्यू के अंदर। सैचुरेशन में आप उस पर्टिकुलर कलर की कितनी इंटेंसिटी आप देखना चाहते हो, और ल्यूमिनेंस में उस पर्टिकुलर कलर की कितनी ब्राइटनेस या कितनी डार्कनेस आप देखना चाहते हो। तो अगर मान लो मुझे इस वाटर का ह्यू चेंज करना है तो मैं क्या करूँगा, यहाँ से मैंने पिक किया स्लाइडर एक, और क्लिक करके ड्रैग अप या ड्रैग डाउन करूँगा। तो देख रहे हो कैसे ये चेंज हो रहा है। अब मुझे पहले वाला ठीक लग रहा था, मुझे ये वाला ठीक लग रहा है ज़्यादा, ठीक है। तो ये ऑटोमेटिक यहाँ से प्लस 16 चेंज हो गई। अब मान लो मुझे अगर इसकी सैचुरेशन को इंक्रीज़ करना है तो मैं कुछ इस तरह से इंक्रीज कर दूंगा। ल्यूमिनेंस में मुझे अभी कोई चेंजेस नहीं करने हैं, इसको मैं कर देता हूँ बंद। अब बात आती है स्प्लिट टोनिंग्स की। स्प्लिट टोनिंग का क्या मतलब है कि आप हाइलाइट्स और शेडोज के अंदर क्या सिमिलर कलर्स रखना चाहते हो। तो ओवरऑल इमेज के अंदर ही ये आपकी पूरी की पूरी सेटिंग्स को चेंज कर देगा। हाइलाइट्स में मुझे जो चाहिए, हाइलाइट्स यहाँ पर पड़ रही हैं, इस जगह पर है, इस जगह पर है, लेकिन थोड़ा बहुत ब्लू भी है। तो मैं करके देखता हूँ कि कौन सा ऑप्शन सबसे बेस्ट रहता है। अगर मैं ब्राउन की तरफ जाता हूँ, आपको इसको ओवर सैचुरेटेड नहीं करना, ये ऐसे करोगे तो ये इमेज ख़राब हो जाएगी आपकी। देखो इसको मैं कंट्रोल जेड करके अंडू कर दूंगा। ओके, फिर से इस पर क्लिक करता हूँ और मुझे करीब
इस जगह पे देखना है यहाँ पे क्या इफ़ेक्ट पड़ रहा है। तो ये थोड़ा सा मुझे स्काई और वाटर में चेंजेस दे रहा है, और अगर मैं इसको ब्लू की तरफ लेके जाता हूँ तो ये ज़्यादा बेटर है पहले वाले से। उसका रीज़न क्या है कि ज़्यादा हाईलाइट स्काई और वाटर के अंदर ही है, तो इसको मैं प्रॉपर ब्लू टोन्स में ही कन्वर्ट कर देता हूँ हाईलाइट्स को। देन शेडोज़ हमारी आती हैं, उप्स ये ज़्यादा हो गई, इसको मैं यहाँ पे लेके जाता हूँ थोड़ी ब्राउन टोन्स के अंदर। तो ये शेडोज़ हो गई हमारी ब्राउन टोन्स में, इसको कर देते हैं बंद। तो ये थी मेरी बेसिक सेटिंग्स किसी भी इमेज को मूडी टोन्स में कन्वर्ट करने के लिए। अब मैंने कहा था कि मैं जो टेम्परेचर स्लाइडर सबसे लास्ट में छेड़ूंगा, अब मैं इसको कम या ज़्यादा करके देखता हूँ क्या इफ़ेक्ट आता है। ये देखो हल्का सा ज़्यादा करते ही कितना सही इफ़ेक्ट आ रहा है इसके अंदर। अब मैंने आपसे कहा था कि मैं आपको लास्ट में बताऊंगा कि ये नाम मैंने कैसे चेंज किया, तो उसके लिए आपको क्या करना है, आप कोई भी लाइटरूम का वर्जन यूज़ कर रहे हो, एडिट में जाना है, देन यहाँ पे है आइडेंटिटी प्लेट सेटअप, इस पर क्लिक करना है। तो कुछ इस तरह का डायलॉग बॉक्स आपके सामने आएगा। अब ये डायलॉग बॉक्स में मुझे कह रहा है कि आप अपना नाम यहाँ पर लिख सकते हैं या फिर आप ग्राफिकल आइडेंटिटी यानी कि अपना लोगो यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। तो मैंने अभी आपके लिए अपना सिर्फ नाम ही लिखा हुआ है यहाँ पे, और यहाँ से आप अपना फ़ोन चेंज करके और जो भी कलर है उसको चेंज करके अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो। और जो ये लाइब्रेरी और डेवलप मैम ये वाला सेटअप आ रहा है, इसका भी आप कलर और फ़ोन अपने अकॉर्डिंग चेंज कर सकते हो। इसको मैं ओके क्लिक कर दूंगा तो यहाँ पे चेंजेस हो जाएंगे। सो गाइस दिस वाज इट, थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस ट्यूटोरियल, और अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी सीखने को मिला तो एक लाइक बटन जरूर हिट करके जाना। इसी के साथ मैं निष्काम भाटिया आपसे विदा लेता हूँ और मिलता हूँ आपसे अगले वीडियो में और बेहतरीन फोटोग्राफी टिप्स के साथ।